प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। दूसरा कार्यकाल पूरा हुआ एक साल। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने आज पूरे एक साल हो चुके हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ की ये दूसरी पारी है और हम बात कर रहे हैं उसी पारी के एक साल पूरे होने की। उत्तर प्रदेश में मुखिया के रूप में बेहतरीन काम किया था, इसलिए योगी को जनता का आशीर्वाद मिला और वो सत्ता में दोबारा काबिज हुए। योगी सत्ता में आने के बाद भी उसी तरह नजर आए जैसे उन्होंने पहले काम किया था। भाजपा के पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार 25 मार्च को यानी कि आज अपने दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर ली है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी 2.0 का एक साल बेमिसाल, लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई, 255 सीटें जीत कर यूपी में भगवा की आंधी लाई। भगवा की आंधी तेज, विपक्षी हुए ढेर। सीएम योगी ने रचा इतिहास, तोड़े कई रिकॉर्ड, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये गाना तो आप सभी को याद ही होगा। ये गाना एक साल पहले यूपी समेत सभी जिलों में चर्चा का विषय बना हुआ था। खासतौर पर यूपी में एक बार फिर से मुखिया के रूप में चुने गए योगी आदित्यनाथ की जीत की खुशी में बनाया गया था। कुछ समय पहले तक हर किसी की जुबान पर था इस गाने के जरिए लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी की सत्ता में एक बार फिर से स्वागत किया था। इस बीच इस गाने के अलावा एक और गाने की काफी चर्चा हुई थी, जिसकी शुरुआत ही थी बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। इस गाने के जरिए यूपी में योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर का जोरदार स्वागत किया गया था। उस समय की बात करें तो भाजपा, योगी और भगवा, तीन ही बातें चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस बात को अब पूरा एक साल हो चुका है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा हो चुका है। बता दें कि 10 मार्च 2022 को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सूबे के मुखिया की सूबे में एक बार फिर वापसी हुई। जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव का परिणाम केवल राजनीतिक परिणाम नहीं है, यह ईमानदारी के लिए किए गए कामों पर भाजपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत की जीत वाली जनता की मुहर है। उन्होंने कहा था कि चुनाव का परिणाम बता रहा है कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। चुनाव में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 4 दिन के लिए गोरखपुर गए थे, जहां उन्होंने भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत की खुशी में लोगों के साथ फूलों की होली खेली थी। सीएम योगी की जीत पर पूरे यूपी में लोगों के बीच उत्साह और खुशी नजर आई। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जीवन एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, ये सिद्धांत पर काफी चर्चित है। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलकर गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर और फिर सूबे के मुखिया बनने तक के सफर में योगी आदित्यनाथ के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए। इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने कभी हार नहीं मानी। जनता की सेवा करने का जज्बा ही उन्हें इस मुकाम पर ले आया कि आज योगी आदित्यनाथ किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफी कम उम्र में
अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लिए, चाहे वो संन्यास लेने का हो या फिर राजनीति में आना। योगी को अब एक बड़े गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है। आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी राजनीति की शुरुआत 20 साल की आयु में हो गई थी। इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सन्यासी थे। योगी ने सबसे पहले भारत के 12वें लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट पर चुनाव लड़ा था और वो गोरखपुर से सांसद भी बने। इसके बाद 13वीं लोकसभा चुनाव में फिर से गोरखपुर से सांसद बने और कार्यभार संभाला। इस तरह 2004, 2009, 2014 लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद बने। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी चुना गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी चुना गया, जिसमें जीत हासिल कर वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और वो लगातार अपना कार्यभार बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। एंग्री यंग मैन योगी। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से एक चीज जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो है बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बुलडोजर को एक कानून के रूप में इस्तेमाल किया। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन काफी चर्चा में है। इसके बाद से योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं एक योगी हूं और इसी के रूप में रहना पसंद करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता के हित में अगर किसी ऑपरेशन या मिशन के कारण यूपी की जनता का हित होता है या उनके जीवन में परिवर्तन होता है तो मुझे किसी नाम से कोई परहेज भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का बेहतर उपयोग हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ देने के बाद अपनी प्रथम कैबिनेट मीटिंग के बाद किसानों की कर्ज माफी की। उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का 1,00,000 तक का कर्ज माफ किया गया। लड़कियों के खिलाफ छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो दस्ते का गठन किया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और फैसला लिया जो गौ तस्करी पर था। उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी के मामले काफी बढ़ गए थे। इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही गौवंश के कई गौशालाओं का प्रबंध भी किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया जिसमें वो फरियादियों की सुनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया। इन सभी के अलावा योगी सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई, जिनमें उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, श्रमिक पंजीकरण यूपी, गन्ना पर्ची कैलेंडर यूपी, यूपी भाग लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यूपी फ्री बोरिंग योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यूपी पारिवारिक लाभ योजना और कन्या सुमंगला योजना शामिल है। योगी सरकार की योजनाएं। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, श्रमिक पंजीकरण यूपी, गन्ना पर्ची कैलेंडर यूपी, यूपी भाग लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यूपी फ्री बोरिंग योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यूपी पारिवारिक लाभ योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, कन्या सुमंगला योजना। महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की समस्याओं पर खासा ध्यान दिया है। महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं बनाई, मिशन शक्ति जैसे बड़े अभियान की शुरुआत की, जिसमें प्रदेश की महिलाएं और बेटियों को बल मिला। प्रदेश सरकार महिलाओं और बेटियों को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता भी मुहैया करा रही है। प्रदेश की कमान जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है,
तब से प्रदेश में महिला अपराधों पर लगाम लगी है। शिक्षा की ओर अग्रसर योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा की ओर खासा ध्यान दिया है, जिसको लेकर बजट 2023-24 में सरकार ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने राज्य में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है, जिसके संचालन के लिए लगभग 25,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। इससे देश के चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का दबदबा बढ़ेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाने के लिए 2023-24 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही राज्य में फार्मा रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। इसके अलावा स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। वही नौकरी में श्रमिक कामगार की मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना के तहत मृत्यु की दशा में 5 लाख और स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। योगी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग की ओर भी काफी जोर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए 235 करोड़ की व्यवस्था की है। वहीं बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना की, तो इसके लिए सरकार ने 550 करोड़ की व्यवस्था की है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय किया गया है। यूपी में एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पीएम श्री योजना के अंतर्गत उन बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय बनेंगे, बहुत अच्छे विद्यालय बनने जा रहे हैं। अभी तो 18 अटल आवासीय विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं, इसी सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे, कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को, अन्य अनाथ बच्चों को उन स्कूलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम शिक्षा देने जा रहे हैं। और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को लेगी, लॉजिंग फूडिंग की सारी सुविधा उन बच्चों के लिए वहीं पर उपलब्ध करवाएगी। हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते हैं। और हमारी सरकार इसको कर रही है, इसको हर विकास खंड स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। अपराध पर योगी हमलावर। प्रदेश में सरकार वापसी के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई काम किए, कभी अपराधियों पर नकेल कसी तो कभी विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसा। योगी सरकार हमेशा ही अपराध के खिलाफ रही है, लेकिन सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां आई। इसके बावजूद भी सीएम योगी लगातार अपराधियों और माफियाओं पर हमलावर रहे। योगी ने संसद से ही विपक्ष पर हमला करके कहा था कि सरकार और माफिया दोनों मिले हुए होते थे 2017 के पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। महिला, बहन, बेटियां सभी सुरक्षित महसूस करती हैं। 2017 के पहले सबके सामने पहचान का संकट बना रहता था, अब ऐसा नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पास यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, गरीब भूखमरी का शिकार था, भूख से मौतें होती थी, महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं थी, संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की पैरेलल सरकार चलती थी,
पहले सत्ता चलती थी, हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था, कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ, वह नौजवान के सामने 17 के पहले जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ की सदन में बहुत ही अहम और मजबूत भूमिका है। सदन में विपक्ष योगी को घेरने के लिए कई बार लामबंद दिखाई देता है, लेकिन सीएम योगी अपनी वाणी से हर खिलाफ उठने वाले सुर को शांत कर देते हैं, साथ ही अपने बयानों से सदन में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर देते हैं। वही माफियाओं और अपराध के खिलाफ वे सरेआम बयान देते हैं। सदन में माफियाओं के खिलाफ दिया गया उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा था। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं कि इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? अपलोक में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप योगी आदित्यनाथ का सदन में दिया गया ये बयान आज सच हो चुका है। वहीं इस बयान और योगी के एक्शन को आज पूरा यूपी देख रहा है, साथ ही पूरा प्रदेश सीएम योगी का समर्थन भी कर रहा है। सदन में विपक्ष का कोई भी नेता सीएम योगी के सामने टिक नहीं पाता। सदन में सवाल जवाब हो या पक्ष विपक्ष की बहस, योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर रहते हैं। कानून व्यवस्था के सेक्टर में 17 के पहले क्या था, यूपी में बेबस मुख्यमंत्री, हर भर्ती बदनाम हुई थी। पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। कहां कहां नहीं घटना हुई थी, 700 से अधिक दंगे हुए थे, कोई आना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश में। लगातार प्रदेश के अंदर उपद्रव, और आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, महोदय अगर 16 की तुलना में मैं एनसीआरबी के डाटा को यहां पे प्रस्तुत करूं तो अपराध में 80% डकैती के अपराध में 80.31% कम हुए हैं, लूट की घटनाओं में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, फिरौती में 43.18%, बलात्कार में 21.75% की कमी आई है। पुलिस भर्ती में महिलाओं का 20% स्थान दिए गए हैं। 3 महिला पीएसी बटालियन और इसमें वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर 3 महिला बटालियन की स्थापना प्रदेश के अंदर चल रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SSF, SDRF, 3 पुरुष पीएसी बटालियन की नया गठन किया गया है। 54 कंपनियां पीएसी की पिछली सरकारों ने समाप्त कर दिया था, उनका भी पुनर्गठन किया गया है। और प्रदेश के अंदर अब तक 1,60,000 से अधिक हम लोग पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रदेश के अंदर पुलिस बजट में भी वृद्धि की गई, 16-17 में की तुलना में अगर हम देखेंगे तो 21-22 में बढ़कर के 30,203 करोड़ हुआ है। आवासीय और अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी प्रदेश के अंदर हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाना में, हर एक चौकी में पुलिस के लिए अच्छे बैरक बनाए जा रहे हैं। और
ये डबल इंजन सरकार का ही परसेप्शन है। आज प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। जैसा नाम वैसा काम। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में सभी जानते हैं। सभी को पता है कि सीएम योगी संत हैं। जैसा कि उनका नाम है योगी, ठीक उसी तरह उनका ध्यान रहता है योग पर। सीएम योगी काफी धार्मिक हैं। पूजा पाठ में उनकी काफी रुचि है। वे अक्सर ही मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन किया करते हैं। इसके अलावा वे अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर गोरखनाथ मंदिर में नौ कन्याओं की विधि विधान के साथ पूजा की। इसके अलावा रामनवमी पर वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसके लिए योगी सरकार ने अभी जिलों के डीएम को 1,00,000 रुपए भी उपलब्ध कराए हैं। एक समय था जब गोरखपुर की पहचान अपराध से की जाती थी, लेकिन अब गोरखपुर बदल चुका है। गोरखपुर अब अपराध के लिए नहीं बल्कि आस्था और विकास के लिए पहचाना जाता है। बीते कुछ सालों से गोरखपुर विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, तब से गोरखपुर में लगातार विकास हो रहा है। इतना ही नहीं, गोरखपुर को चिड़ियाघर की भी सौगात मिली। साथ ही गोरखपुर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग का हब बन रहा है। कला का सम्मान और प्रोत्साहन हो रहा है। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। सीएम योगी सिर्फ नाम से ही योगी नहीं है, कर्म से भी योगी है। योगी की पूजा पाठ और भक्ति किसी से छुपी नहीं है। फिर चाहे बात करें अयोध्या की या काशी मथुरा की, योगी की सब में आस्था है। आपको बता दें कि सीएम योगी भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर के 100 से अधिक बार दर्शन किए हैं। वहीं अयोध्या की बात करें तो सीएम योगी की राम मंदिर में विशेष रुचि है। दिवाली के मौके पर सीएम राम नगरी अयोध्या में जाते हैं, विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ रामलीला के आयोजन में भी शिरकत करते हैं। दीपावली की रात को सैकड़ों की तादाद में दिए जलाए जाते हैं, जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हो चुका है। भगवान में योगी की आस्था इस कदर है कि योगी ने मथुरा को भी अहमियत दी है। कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा को एक अलग अंदाज में सजाया जाता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि योगी सीएम के साथ साथ कर्म योगी भी हैं। वहीं योगी के राजनीतिक करियर की बात करें तो सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में लगातार जनता के हित के लिए काम किए हैं। योगी सरकार ने प्रदेश में कई ऐसे काम किए हैं जो योगी आदित्यनाथ की छवि को बाकी दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में लौटने वाले 37 साल में यूपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। योगी सरकार की दोबारा वापसी योगी आदित्यनाथ के प्रति जनता का प्यार है और आज सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरे हो गए हैं। सीएम योगी की जीत की बात करें तो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से यूपी में जीत हासिल की थी और अपने कार्यकाल में लगातार अपने कामों से जनता का प्यार और विश्वास जीता। वहीं दूसरे कार्यकाल की बात करें तो दूसरी बार उन्होंने अपने दमखम पर निष्पक्ष चुनाव लड़ा और यूपी में धमाकेदार वापसी की। यूपी में अपने दम पर ही 255 सीटें हासिल की। आज योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जिनकी अपने काम से जनता के बीच सख्त प्रशासक की छवि है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की मुखिया ने नोएडा के भ्रम को भी तोड़कर दिखाया है। अब तक लगभग यूपी के कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सब नोएडा जाने से कतराते थे क्योंकि उन सब का मानना था जो एक बार नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। योगी ने इस तथ्य को भी गलत साबित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नोएडा के कई दौरे किए हैं और यूपी की सत्ता में दोबारा काबिज भी हुए हैं। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी।
योगी 2.0 का पहला साल पूरा होते ही लगातार 6 साल 6 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड सीएम योगी ने अपने नाम कर लिया है। वैसे तो उन्होंने 1 मार्च को ही सबसे ज्यादा समय 5 साल 346 दिन का सीएम रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। यह बीजेपी के लिए भी अपने आप में एक उपलब्धि है। अभी के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।